जब हम लोग अपनी अच्छी गेम खेलते हैं तो हम लोग किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं। The color of the medal matters a lot. हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार जो कलर है हम चेंज करें। We go to the tournament to win. No doubt about it. नाम के आगे ओलंपियन नहीं लिखाने जाना है, मेडल लेने जाना है। जब बच्चा एक टीम में आता है तो उसका यही ड्रीम रहता है ओलंपिक्स में मेडल जीतना है। जब हम लोगों ने मेडल जीता था ना ओलंपिक्स में, तो हम लोग ना पोडियम पे खड़े हुए थे, तो फ्लैग हमारा राइट साइड पे था। तो उस वक्त यार हुआ कि नहीं कि इससे और ज़्यादा मेहनत करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो हमारा ये फ्लैग है ना वो सेंटर में होना चाहिए और हमारा जो नेशनल एंथम बजना चाहिए। सभी प्लेयर ने ये बोला था कि अभी रुकना नहीं है, अभी यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। टूर्नामेंट में जाके आप चैंपियनशिप नहीं जीतते हो, बिहाइंड द सीन आपकी जो ट्रेनिंग होती है वहाँ से आप चैंपियन टीम की तैयारी करते हो। Someone somewhere is training to beat you. So that things gives you energy, that things push you out from whatever comfort zone you are in. Whenever you train here on this field, I always feel like I don't want to give any chance to let the entire 1.4 billion people down. हम लोगों ने एक चीज़ अच्छी की, हम लोगों ने टीम बॉन्डिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। हम लोगों ने एक दूसरे की बैक स्टोरी ना जानी कि हम लोगों ने वो कैसे स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँचे हैं, तो क्या है उससे ज़्यादा हमारे इमोशंस और ज़्यादा जुड़ते रहे एक दूसरे के साथ कि हम लोग को यार एक दूसरे के लिए खेलना है यार। There was a time when Indian hockey was dependable on individual players, and then the era changed. We started to getting into more into a team. That changes helped us to win in international level. जब ग्राउंड में आते तो यही रहता है कि डी की जो वाइल्ड लाइन क्रॉस कर ली तो उसमें यही है कि कुछ ना कुछ हम हासिल करके आए। There isn't a team that this Indian team hasn't beaten. The question you could also be asking, what do the other teams have to do to beat India? The whole philosophy in my mind is defend to counter to win, having a team that can defend against the best teams in the world, but then counter-attack from anywhere, and that's in the DNA of this Indian team. When you are there in the Olympics, you need to deal with two things. One with your performance, second with the pressure. हम लोग 90% body का run कर सकते हैं, but ये mind अगर हमारा set नहीं है ना, हमारा control में नहीं है, तो हम लोग वहीं कहीं ना कहीं crucial matches में आके वहाँ पे lose कर सकते हैं। For me, Olympics is everything, और Olympics में gold medal लेकर आना एक ultimate goal है मेरा, और इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार जो color है हम change करें, और जो मेडल जीते हम इंडिया को डेडिकेट करें, जो हमारे सीनियर्स हैं उनको डेडिकेट करें, हमारी जो हिस्ट्री है, लेगेसी है, उसको एक और स्टेप ऊपर लेके जाएं। फॉर मी इट्स ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड टिल पेरिस टू प्ले एवरी मैचेस, इट्स लाइक योर लास्ट मैच, एंड जस्ट गिव 100% फॉर योर टीम। हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर करनी पड़ेगी, और जब ओलंपिक्स में जाएं एक माइंड में होना चाहिए कि हमें मेडल जीतना है।